हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं टॉपिक बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, एटम के बारे में सबसे पहले डिफाइन किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के बाद आए थे बोर। तो पहले मतलब कि नील बोर, इनका पूरा नाम है, तो नील बोर के पहले साइंटिस्ट सबने मिलकर एटम के बारे में डिफाइन किया था। लेकिन उसके बाद से नील बोर जब आए थे तो उन्होंने रदरफोर्ड की काफी कुछ गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, उनको उन्होंने अच्छा किया था और फिर उन्होंने अपना एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। तो आइए हम पढ़ते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। आज यहां पर देखिए टॉपिक हमारा है बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखिए यहां पर बोर्स एटॉमिक मॉडल में मेन हमारे तीन पोस्टुलेट्स हैं इनके। उन तीन पोस्टुलेट्स में से पहला और जो दूसरा पोस्टुलेट है वो नॉर्मली आपको राइटिंग फॉर्म में बताना है, लेकिन जो तीसरा पोस्टुलेट है उसमें एक कॉन्सेप्चुअल फिगर है, उसमें आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप तीसरे वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए पढ़ते हैं हम लोग। इन 1913 नील बोर एक्सप्लेन अबाउट एटॉमिक मॉडल इन विच थ्री पोस्टुलेट्स आर गिवन बाय नंबर फर्स्ट। देखिए यहां पर पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट्स क्या था, आपने पढ़ा होगा कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि p इज इक्वल टू mv। यहां पर p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का सिंबल है, m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी। तो जिस तरह से लीनियर मोमेंटम होता है हर एक बॉडी का, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी होता है। कोई भी पार्टिकल अगर r रेडियस, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पार्टिकल अगर r रेडियस के सर्किल में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ध्यान दीजिए यहां पर दिखाते हैं, एक आपका होता है mv जिसे हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और एक आपका होता है mvr इसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम में ही अगर आपने रेडियस से सर्कुलर पाथ के रेडियस से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर पोस्टुलेट्स में आपको ध्यान देना है एंगुलर मोमेंटम में। पहले देखिए हमें पहला पॉइंट आपको लेके दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली दैट ऑर्बिट इन विच दियर एंगुलर मोमेंटम को देखिए यहां पर सिंबल होता है कॉम्प्लेक्स का mvr, ओके। इन विच दियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द कंप्लीट मल्टीपल ऑफ h upon 2π। यहां पर देखिए ध्यान से, आपने सिंबल आपको दिख रहा है h, यहां पर h के स्मॉल h, इसको हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होती है 6.6 × −34 जूल सेकंड, ठीक है। तो देखिए अब पहला मैं पॉइंट क्या था, यूनिवर्स बताया कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिस ऑर्बिट में इन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr ये h upon 2 pi का पूरी तरह से मल्टीपल होगा, यानी कि ऐसे बोलेंगे यहां पर देयर को एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कंप्लीट मल्टीपल ऑफ h upon 2π। और इसको देखिए हम ऐसे
सरफेस प्लेन ऐसे से एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी आर एंड एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल यहाँ पर लगा देंगे एन एच अपॉन टू पाई एन एच अपॉन टू पाई ये वाला बन जाएगा फार्मूला वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री इसे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर से बोलते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी कंप्लीट नंबर होगा ठीक है n तो ये आपका हो गया पहला पोस्टुलेट देखिए आपका सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पर क्या था दूसरा पोस्टुलेट था ध्यान दीजिएगा रदरफोर्ड ने कहा था जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट पर लगातार रिवॉल्व करता है तो वो कंटिन्यू अपने रिवॉल्यूशन से एनर्जी को एमिट करता है लगातार वो एनर्जी को एमिट करता है ओके लेकिन नील बोर ने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है ये बात सच है लेकिन जब वो किसी भी सर्कुलर पाथ में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का वो एनर्जी एमिट नहीं करता है ओके जिससे कि वो हमेशा स्टेबल बना रहता है तो देखिए यहाँ पर दिखा दीजिएगा सेकेंड पोस्टुलेट किया था व्हाइल रिवॉल्विंग While revolving around an orbit, electrons do not emit its energy. Therefore, atom always be stable देखिए अब क्या लिखा हुआ है while revolving around an orbit किसी भी orbit पे revolve करते समय electrons do not emit its energy electron अपनी energy को emit नहीं करता है और इस reason से therefore atom always be stable इससे एटम क्या होगा हमेशा स्टेबल होता है ठीक है देखिए अपन थर्ड पॉइंट क्या था तीसरा पॉइंट ये था ध्यान दीजिएगा तीसरा पॉइंट था कि हर एक इलेक्ट्रॉन के अपने एनर्जी लेवल होता है तो अगर किसी भी एटम को अगर बाहर से किसी भी एटम को अगर बाहर से एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को उस एटम का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने एनर्जी लेवल से अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है और अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर जाकर वो 10 टू द पावर माइनस 8 ध्यान दीजिएगा 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड तक स्टे करता है रुकता है और फिर वापस अपने ही ऑर्बिट में आ जाता है जैसे ही फिर से वो दोबारा अपने एनर्जी लेवल में आता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है ओके और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है उसकी एनर्जी उन दोनों ऑर्बिट यानी जहां पर था वो एनर्जी लेवल और जहां पर गया था वो एनर्जी लेवल तो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होता है ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलती है उसकी एनर्जी जो होती है वो उसके इनिशियल एनर्जी लेवल और जहां पर वो कुछ देर के लिए चला गया था उस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होता है अब देखिए ध्यान से इसको हम बताते हैं फिगर से थर्ड पॉइंट सपोज मान लीजिए यहां पर ये ऑर्बिट्स हैं देखिए ध्यान से यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए अपन पहले वाले आपको दिखाया जा रहा है दो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में चार इलेक्ट्रॉन ठीक है अब सब कुछ मान लीजिए आपको दिख रहा है पर दूसरे ऑर्बिट पे सपोज मान लीजिए जो दूसरा ऑर्बिट दिख रहा है उसकी मान लीजिए एनर्जी कितनी मान ली हमने E1 है कितनी है E1 ध्यान रखिए यहाँ पर दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी हमने कितनी मान ली E1 और जो दिख रहा है बाहर वाला ऑर्बिट उसकी हमने एनर्जी कितनी मान ली हमने E2 ओके यहाँ पर लिखा हुआ E1 अब सपोज मान लीजिए इसको मान लीजिए बाहर से एनर्जी मिलती है इसको मान लीजिए बाहर से एनर्जी मिल जाती है एटम को तो देखिए इस एनर्जी को क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने इनिशियल वाले एनर्जी लेवल से कहां चला जाएगा ऊपर वाले चले
यानी कि E1 से कहां आ गया, E2 वाले एनर्जी लेवल पर आ गया, और यहां पर ये 10 टू द पावर -8 सेकंड तक स्टे करता है। ध्यान रखिएगा यहां पर, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन E1 से कहां पर आ गया, E2 पर आया, तो E2 पर आने पर ये 10 टू द पावर -8 सेकंड तक स्टे करता है, फिर वापस क्या होता है, फिर से वापस ये अपने ही ऑर्बिट में आता है। जैसे ही ये E2 से दोबारा कहां पर आएगा, E1 में आएगा, इस आते टाइम पर, आते हुए वक्त पर ये करता है, ऊपर से नीचे आने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिसे हम फोटॉन के नाम से भी जानते हैं, प्रोड्यूस करता है। और इस फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो आपने पढ़ा है कितनी होती है, h nu। ओके, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और nu क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, when a energy is given to any atom, its any one electron absorbs energy and goes up to high energy level. Rest of there it stays for 10 to the power minus 8 second. वहां पर वो 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड तक स्टे करता है, एंड देन रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल एनर्जी लेवल और ऑर्बिट पुलिश ऑफ while returning back to its initial energy level it radiates a electromagnetic waves full stop। Now देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब ये ऊपर से नीचे आता है तो एक electromagnetic waves को radiate करता है, मतलब बाहर निकालता है। Now energy of electromagnetic waves is equal to E2 minus E1 by adjoining figure। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो एनर्जी यहाँ पर एम होती है, एनर्जी ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू E2 माइनस E1। नाउ वी विल सॉल्व इट। यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि फोटोन की एनर्जी, वो कितनी होती है, h nu इज इक्वल टू E2 माइनस E1, and then nu is equal to E2 minus E1 upon H। देखिए हमारी बन गया फॉर्मूला, यहाँ पर लिखा हुआ है nu is equal to E2 minus E1 upon H। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, बता चुके हैं आपको हम यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए nu क्या होता है, nu को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो इस तरह से देखिए हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी को फाइंड करके यहाँ पर हम लोग न्यू की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका तीन पोस्टुलेट्स आपको डिफाइन करने हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला पोस्टुलेट्स क्या था, mvr इज इक्वल टू nh/2π, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या था, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन
अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी को एमिट नहीं करता। तीसरा होता है कि जब भी किसी एटम को बाहर से एनर्जी मिलती है तो उसका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो अपने इनिशियल से एनर्जी लेवल से अपने हाई एनर्जी लेवल पर जाता है, वहां पर वो 10^-8 सेकंड तक रुककर वापस लौटता है। जब वो वापस लौटता है तो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकालता है और जिसकी एनर्जी दोनों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। तो आपको देखिए आपको मैं डिफाइन किया है और ये आपका थर्ड पोस्टुलेट का फिगर है। ओके, तो इस तरह से पूरा आपको डिफाइन कर रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।